इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक मार्केटिंग के अंडर में अंडरस्टैंडिंग फेसबुक पेज टेम्पलेट्स एंड टैब्स। ये टेम्पलेट्स एंड टैब्स क्या है फेसबुक पेज में? तो टेम्पलेट तो हमने शुरू में सेलेक्ट किया था, राइट? बट यहां पर जो आप लेफ्ट में ये जो टैब्स देख रहे हैं, ये होम, सर्विसेज, इवेंट्स, रिव्यूज, अबाउट, वीडियोज, फोटोज, पोस्ट, ऑफर, कम्युनिटी, राइट? तो ये काफी सारी टैब्स हैं आपके पास, जहां पर हर एक टैब का एक अलग फंक्शन है। जैसे होम आपका कंप्लीट पेज का जो लेआउट है वो दिखाता है। सर्विसेज में जाकर अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आप सर्विसेज डिलीवर करते हैं और आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में नहीं है, तो आप यहां पर ऐड सर्विस में जाएंगे और अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर नाम दे दिया ये डेमो के लिए हम नाम दे रहे हैं, राइट? इसका आपने प्राइस रख दिया, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, लर्न कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग इन अ मंथ, राइट? 12 कोर्सेज एंड वन, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, अप टू 600 लेटर। ड्यूरेशन आप लिख सकते हैं, अपॉइंटमेंट, बेसिकली भी सर्विस है तो पर्सन आपसे अपॉइंटमेंट लेने आएगा या अपॉइंटमेंट लेने का ऑप्शन आप देते हैं। ये देखिए यहां पर हटा भी सकते हैं आप इसे, और उसके बाद आप यहां पर फोटोज लगा सकते हैं अपनी सर्विसेज के, एंड देन यू कैन, मतलब आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी एक सर्विस ऐड होगी। इस तरह से आप मल्टीपल सर्विस ऐड कर सकते हैं। इवेंट एक अगली टैब है। इवेंट का मतलब अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई लेक्चर कर रहे हैं, कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई पार्टी, कोई गैदरिंग जिसमें आप लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पर जाकर इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसकी टिकट भी आप बुक करवा सकते हैं फेसबुक पर ही। तो ये देखिए इवेंट का आप इमेज लगा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ इवेंट का टाइटल आप देंगे, ऑनलाइन इवेंट है, ऑफलाइन इवेंट है, आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन है तो चेंज टू टाउन और सिटी, या एड्रेस दे सकते हैं। ऑफलाइन है, यह डिस्क्रिप्शन आपका आ गया, कैटेगरी किस कैटेगरी में आपकी ये जो इवेंट है, राइट? तो यहाँ कई काफी सारी कैटेगरी दे रखी है ऑलरेडी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर आप ये इवेंट वीकली, मंथली या क्वार्टरली करते हैं, तो आप एक बार ऐड करके फ्रीक्वेंसी में जाकर उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। डेली, वीकली, कस्टम, यहां जाकर आप डेट्स चूज कर सकते हैं और यहां पर आप डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, ओके? एडमिशन, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऐड कंफर्मेशन, ऐड टिकट लिंक। अगर आप पेड टिकट सेल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर या फ्री टिकट, तो आप यहां पर लिंक ऐड कर सकते हैं। ऐड कंफर्मेशन बेसिकली इसमें क्या है कि आप के जो गेस्ट हैं या जो लोग आपकी इवेंट देख रहे हैं वो इसे बुक तो कर सकते हैं, बट कंफर्मेशन आप ही देंगे। ऐड कंफर्मेशन पोस्ट परमिशन ओनली एडमिन कैन पोस्ट, एज इन अगर उसमें आपकी इवेंट को लेकर कोई कमेंट करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो सिर्फ एडमिन कर सकते हैं। और यहां पर एनीवन, इसमें फिर आप लगा सकते हैं एनीवन में भी कि अप्रूवल आप देना चाहेंगे या नहीं, या मैसेजिंग, मैसेजिंग का मतलब लोग आपको मैसेंजर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं, आप गेस्ट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं नहीं, तो वेरियस ऑप्शन है। यहां से आप इवेंट यूज कर सकते हैं। रिव्यूज, जब आपके बिजनेस को कोई रिव्यू देता है, जैसे कि गूगल पर आपने देखा है रिव्यूज। अबाउट, ऑलरेडी आपको पता है अपने पेज के बारे में। वीडियोज, यहां पर आप वीडियो देख सकते हैं जो भी आपने अपलोड किए, नहीं तो अपलोड कर सकते हैं। फोटोज में फोटोज देख सकते हैं। पोस्ट में जो भी डिफरेंट आपकी पोस्ट है, यहां पर आप ऑफर क्रिएट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के लिए, राइट? एंड देन कम्युनिटी बेसिकली इज कि आप अपने पेज के साथ साथ एक ग्रुप भी बिल्ड कर सकते हैं, राइट? एक क्लोज ग्रुप बिल्ड कर सकते हैं अगर आप अपने पेज का ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये हो गई टैब, राइट? अगर अब आप एडिशनल टैब इसमें जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको, लेट्स सी। सेटिंग्स में जाने के बाद टेम्पलेट्स एंड टैब्स, और यहां जाकर, यहां तो आप अपना टेम्पलेट एडिट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अलग अलग टेम्पलेट है, बिजनेस, सर्विस, नॉन प्रॉफिट, पॉलिटिशियन, रेस्टोरेंट एंड कैफे, शॉपिंग, वीडियो पेज, स्टैंडर्ड, जो भी आप चूज करना चाहें। और ये आपकी टैब है। ऐड अ टैब में जाकर आप एक नई टैब ऐड कर सकते हैं जो यहां पर दे रखी है, जैसे कि लाइव, ये आप लाइव वीडियोज के लिए ऐड कर सकते हैं। शॉप,
शॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, स्पेशली उन बिजनेसेस के लिए जो प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं, जो ई कॉमर्स मॉडल में ऑपरेट करते हैं। ग्रुप्स, तो जो भी ग्रुप्स आप बनाएंगे इस पेज से रिलेटेड वो यहां पर दिखाई देंगे। नोट्स, अगर आप कुछ नोट्स दिखाना चाहते हैं तो वो दिखाई देंगे आपको। तो जो भी आपने टैब ऐड करनी है, डेमो के लिए हम एक टैब ऐड करेंगे, शॉप ऐड टैब क्लोज। ये हमारी टैब ऐड हो चुकी है, वापस हम पेज पे जाएंगे। और यहां जाकर ये हमारा शॉप का ऑप्शन आ चुका है, और यहां पर आप ये एग्री करिए, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर डाल सकते हैं, मैसेज टू बाय, कि अगर लोग आपका प्रोडक्ट देखते हैं तो वो आपको मैसेज करें खरीदने के लिए, या आपकी वेबसाइट पे चेकआउट करें, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी आप सेलेक्ट करेंगे, करेंसी सेलेक्ट करने के बाद ये आपकी शॉप में, अब आप प्रोडक्ट ऐड अ प्रोडक्ट में जाकर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड अ प्रोडक्ट, और यहां जाकर फोटोज, वीडियोज, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, प्रोडक्ट सेल पर है, सेल प्राइस, अगर सेल लगी हुई है या सेल पे आप, मतलब इन द सेंस अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्क्रिप्शन, चेकआउट URL, ये सब आप दे सकते हो, शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर पेज, विजिबिलिटी पब्लिक, प्रोडक्ट कंडीशन, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो आपको टेम्पलेट्स एंड टैब्स का आइडिया लग गया होगा। टैब्स ये यहाँ पर आपको दिख रही है लेफ्ट, ये जो स्क्रोल बार है यहाँ पर, और सेटिंग्स में जाकर आप ये टेम्पलेट्स एंड टैब्स में जाकर टैब ऐड भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर और भी बहुत सारी सेटिंग है, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ओके.